नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो गड्ढा आप देख रहे हैं वो गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड का मैक्रो टनलिंग का गड्ढा है, पीट है। दोस्तों, इस पीट का पूरा प्रोसेस आप लोग को बताएंगे। ये पीट क्यों बनाया जा रहा है और क्या क्या इसका काम है, इसको पूरा प्रोसेस बताएंगे दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं गड्ढा के ऊपर जो एंगल बन लगाया जा रहा है वो ब्रैकेट है, जो हम पूरा अलाइनमेंट है, जो मेट्रो टनलिंग का अलाइनमेंट है जिसमें मेरा मशीन दौड़ रही है चलेगी, इसका पूरा अलाइनमेंट में इसी से हम लोग सेट करते हैं। इसको लगाने के बाद दोस्तों बढ़िया से इसको ड्रिल करते हैं चारों कोना में, चारों होल पे ड्रिल करने के बाद ये ब्रैकेट सेट किया जाता है। इसके बाद उसमें नट बोल्ट से उसको पूरा कसा जाता है टाइटली, ताकि बाद में अगर मेरा मशीन मूवमेंट करे उसमें तक हिले ना। और इसमें पीट के दोनों साइड पे माइक्रो टनल का ब्रैकेट लगाया जाता है। माइक्रो टनल मतलब पहले हम लोग टीएस से उसका पॉइंट दे देते हैं, इसमें लाल पॉइंट लाल पेंट से पेंट पॉइंट देते हैं। इसके बाद उसके ऊपर हम लोग ब्रैकेट सेट करते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद हम उसमें कटिंग करते हैं धागा बांधने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा पीछे कर लो, सीढ़ी को पीछे करो थोड़ा। आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आप ठीक है, आप कुछ नहीं होगा, घंटी को भी दबा दें, साथ ही साथ लाइक का ब्रैकेट लगाने के लिए वहाँ पे ड्रिल मारा जाएगा। दोस्तों, पहले अगर मेरे पास कोई ऐसे सपोर्ट नहीं है लगाने के लिए तो पहले हम अपना जीना लगा लें, जीना ने खूब बढ़िया से बांध दें किसी रस्सी या तार वगैरह से। इसके बाद जहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है वहाँ पे पूरा ब्रैकेट को बढ़िया से सेट होना चाहिए, प्लस में ब्रैकेट का जो होल है होल को बढ़िया से पॉइंट दे दें, प्लस में सुधार के देने के बाद हम मशीन है ड्रिल मशीन है ड्रिल मशीन से हम लोग बढ़िया से ड्रिल करते हैं। आप देखते रहिए, पूरे वीडियो पे बने रहिए। और दोस्तों, यदि आपको किसी चीज़ का समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम चारों होल पे ड्रिल करेंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चेक करके देखते हैं कि मेरा होल सही हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस मैं अपने मैक्रो टनलिंग का मशीन सेट करने के लिए कर रहे हैं। पहले इसी के सहारे हम नीचे जैकिंग फ्रेम और रेल को लगाएंगे, रेल को सेट करेंगे। दोस्तों, जो ड्रिल किया जा रहा है वो 16 mm डाया का ड्रिल मशीन है और नट बोल्ट उसी साइज का लगाया जा रहा है। अगर अगर ड्रिल करने के टाइम में अभी ये ध्यान दें कि होल ज़्यादा बड़ा ना हो, जितना आपका बोल्ट है
इधर आपका क्लैंप है जिसका साइज में रहे, नहीं तो आपको अगर ढीला हो जाएगा तो आपका ब्रैकेट हिल भी सकता है। हिलने के बाद अगर आपका ड्रिल ब्रैकेट हिल जाएगा तो नीचे जो ब्रैकेट में ये जैकिंग फ्रेम में जो लेजर सेट हुआ रहता है वो हिल जाएगा तो आपका मशीन माइक्रो टर्नर मशीन कहीं दूसरा प्लेस में भी जा सकता है। यहाँ पे आपका टारगेट रहता है वहाँ पे अगर नहीं भी पहुँच सकता है, इसलिए आप ब्रैकेट को मजबूती से टाइट रखें और बढ़िया से फिक्स करें। अगर दोस्तों आपको किसी चीज़ का समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट भी करें, पूछ भी सकते हैं। Thank you.